बिहार उद्यमिता सम्मेलन में नई दिल्ली के एनडीएमसी कन्वेंशन पूरे बिहार के विभिन्न जिलों, नई दिल्ली, भारत के अनेक राज्यों से, क्षेत्रों से यहाँ पधारे सभी देवियों का, सज्जनों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। अपने आप में इस प्रकार के सम्मेलन का आयोजन दिल्ली में होना, भारत की राजधानी में होना निश्चित ही एक अनूठा अनुभव है। अनेक प्रकार के कार्यक्रमों में हम लोग मिलते रहते हैं, लेकिन भारत की राजधानी के बिल्कुल उस क्षेत्र में आज जब हम मिल रहे हैं तो बात बिहार की करने आए हैं। जो प्रेरणा इस कक्ष में विद्यमान है, एक एक व्यक्ति के रूप में बहुत आगे जाएगी, बहुत आगे जाएगी, क्योंकि जब कार्यक्रम की संकल्पना हो रही थी, सभी लोग जानते हैं जिस प्रकार से लेट्स इंस्पायर बिहार के सभी जिलों में, 10 से अधिक जिलों में, हर प्रखंड में, अनेक महानगरों में और विदेशों में भी अध्याय, चैप्टर्स स्थापित हो रहे हैं। तो उसमें जब बात हुई कि दिल्ली में बिहार उद्यमिता सम्मेलन क्यों हम प्रारंभ कर रहे हैं, बहुत लोगों ने शुरू में पूछा कि क्यों ना इसको बिहार के किसी हम लोग जिले में आयोजित करें। इसके पूर्व पिछले सप्ताह पटना में शनिवार को हम लोगों ने शिक्षा पर एक बहुत बृहद कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसमें क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के 30,000 विद्यार्थियों ने भाग लिया था। उसका नाम था भारत हेरिटेज ओलंपियाड। उसमें 250 बच्चों को, जिन लोगों ने बिहार के विरासत के बारे में प्रश्नों का उत्तर दिया, बिहार के भविष्य के ऊपर अपने विजन को प्रस्तुत किया, जो सबसे अच्छे थे, सर्वश्रेष्ठ थे, उनको हम लोगों ने पुरस्कृत किया। 10 यंग हेरिटेज एम्बेसडर्स थे। ये तो उस पाटलिपुत्र में हो रहा था, लेकिन जब दिल्ली की बात आई तो स्पष्ट उठा कि दिल्ली में क्यों करना चाहते हैं। तो मैंने कहा, भाई सोचो, तुम्हारी दृष्टि को क्या हो गया है? दृष्टि ऐसी थी, जब कभी अफगानिस्तान के पार भी कलह होता था तो चिंता पाटलिपुत्र में बैठे किसी आचार्य की होती थी। यहाँ से शासन करने के लिए कभी सम्राट अशोक को तक्षशिला भेजा जाता था, और तुम्हें दिल्ली में कोई कार्यक्रम हो रहा है बिहार के ऊपर, तो ऐसा असमंजस क्यों? दृष्टि बड़ी रखनी होगी, दृष्टि वैसी रखनी होगी जो कभी हमारे पूर्वजों की थी। दृष्टि ही थी और एक ऐसी ऊर्जा थी जिसके कारण जब मार्ग नहीं थे, आज बहुत लोग इस कार्यक्रम में आए हैं, ट्रेन से आए हैं, बहुत लोग फ्लाइट से आए हैं, बहुत लोग दिल्ली के अंदर रहते हैं, अलग अलग वाहनों से आए हैं। कल्पना कीजिए उस समय की, जब आज से करीब 2,500 वर्ष पहले किसी को यदि पाटलिपुत्र से दिल्ली आना होता तो किस प्रकार आते, कितना समय लगता। यदि किसी पाटलिपुत्र में बैठे व्यक्ति को, दिल्ली में बैठे किसी अपने व्यक्ति को संदेश भेजना हो तो सुलभ था क्या? लेकिन क्या ऊर्जा रही होगी, क्या सोच रही होगी, क्या चिंतन रही होगी, क्या दृष्टि रही होगी जिसने उस रूप में, बात दिल्ली की नहीं रही, बात अफगानिस्तान के पार तक, पश्चिम उत्तर भारत की स्थापना तक, उत्तर में हिमालय के उत्तर तक, दक्षिण में सागर तक और पूरब में ब्रह्म देश तक, उस भारत को अखंड भारत के रूप में स्थापित किया, जिसमें अनेक छोटे छोटे राजा थे, कुछ क्षेत्रों में गणराज्य थे। जोड़ना आसान नहीं होता। एक सभागार में भी इतने लोग हम लोग बैठे हैं, कोविड के नियम हैं, यदि माइक नहीं हो तो बड़ी शांति से हम लोग बैठ नहीं पाएंगे। थोड़ी सी माइक में आवाज कम आ जाए तो लोगों को नियंत्रित करना, संचालित करना, बताना आसान नहीं है। लेकिन जब बिहार की हम कल्पना करते हैं उस समय की, तो स्मरण करते हैं कैसे लोग थे जो वैशाली के संथागार में
7,707। आज भारत में कितने सांसद हैं लोकसभा में सभी जानते हैं, लेकिन वैशाली के उस प्राचीन संसद में 7,707 गणराजा जो चुने जाते थे, किस प्रकार बिना किसी सूचना तंत्र के, बिना किसी उन्नत प्रौद्योगिकी के मिलकर विमर्श करते होंगे, किस प्रकार उनके विमर्श के उपरांत अपने गणाधिपति का चयन होता होगा, मन को निश्चित ही चिंतनरत कर देता है। क्या ऊर्जा रही होगी। उसी प्रकार जब बात हम लोग प्रौद्योगिकी की करते हैं, आज हम लोग बात कर पा रहे हैं, उसका सूत्रपात कहाँ हुआ, कौन सा वह क्षेत्र था जिसने इस पूरी श्रृंखला को जन्म दिया। जब और सोचते हैं, कल्पना करते हैं, तो याद आता है, स्मरण आता है आचार्य आर्यभट्ट का। यदि शून्य की परिकल्पना नहीं होती तो जो पूरा डिजिटल बाइनरी सिस्टम है जिसमें शून्य है और एक है, कहाँ रहता है, कुछ विकास होता ही नहीं। आप गणित को देख लीजिए, गणित के विकास को देखिए, रोमन न्यूमरल्स में किस प्रकार से किसी प्रश्न को भी हल करने में कितना समय लगता है, वो तो प्रश्न की बात हुई। यदि नव सृजन की बात हो तो संभव है क्या। क्या बात रही होगी, क्या ऊर्जा रही होगी, किस प्रकार से वैसी ऊर्जा उत्पन्न हुई। जब बहुत प्राचीन काल में झांकने जाते हैं, क्योंकि कोई क्षेत्र किसी एक दिन में वैसा नहीं होता। अंग्रेजी में कहते हैं रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। बिहार की जब कल्पना कीजिए तो लगभग उससे भी बड़ी चीजें हमें तब दिखती हैं जब बहुत प्राचीन काल में देखते हैं सभ्यता का विकास हो रहा था, अलग अलग क्षेत्रों में व्यवस्थाएं स्थापित हो रही थी, सत्ता का संचालन किस प्रकार होगा इस पर अलग अलग विचारों की स्थापना हो रही थी, और जब सामंजस्य बना तो एक प्रकार की व्यवस्था बनी जिसमें कोई व्यक्ति जो शक्तिशाली होगा अपने राजवंश की स्थापना करता था, राजा राजा का पुत्र उसका उत्तराधिकारी होता था, उस पर भी विवाद होते थे। लेकिन बिहार में कुछ तो अलग था, अलग था। जब पश्चिम उत्तर भारत की कल्पना करते हैं तो ज्ञान की बात करते हैं, सबसे प्राचीन काल में ज्ञान के भंडार वेदों को माना गया। वैदिक परंपरा जब प्रारंभ हुई, भारत में विस्तृत होने लगी, उसका अंत कहाँ आया। अंत जो आया सबसे उत्कृष्ट था, सबसे उत्कृष्ट भाग था, जो दिखाता है कि भौतिकवादी चिंतन से परे आध्यात्मिक तत्वों के गूढ़ रहस्यों तक कुछ लोगों को सोचने की, चिंतन करने की क्षमता थी। केवल ये चिंता नहीं थी कि हमारा दिनचर्या किस प्रकार होनी चाहिए, किस प्रकार से हमारी भौतिक उन्नति हो, लेकिन आध्यात्मिक रूप में किस प्रकार मानव जीवन का लक्ष्य क्या होता है, उसकी गूढ़ विवेचना सम्राटों के दरबारों में भी होती थी, जंगलों में भी होती थी। वह क्षेत्र कौन सा था, मिथिला थी। दक्षिणी नेपाल और आज का उत्तरी बिहार, उसी क्षेत्र में कभी इस प्रकार का चिंतन जब उत्पन्न हुआ उस प्राचीन काल में, जब चिंतन पूरे विश्व में कहीं था ही नहीं, तो निश्चित चीजें बढ़ती हैं, और जब पढ़ने लगी तो अभिवृद्धि हुई। अब देखिए बाद में किस प्रकार से बौद्ध धर्म, जैन धर्म का दर्शन आया, तत्व आए, सिद्धांत आए, विज्ञान ने विकास किया। और बात केवल यही, ज्ञान के विकास की जब होने लगी, विश्वविद्यालय स्थापित हुए जिसमें पूरे विश्व से लोग पढ़ने आते थे, जान जोखिम में डालकर आते थे, ठंडे मार्गों से आते थे। क्या प्रेरणा रही होगी। और जहां ज्ञान होता है वहां शौर्य का होना तो स्वाभाविक है। जो व्यक्ति ज्ञानवान होगा, जैसे हम लोग उद्यमिता की बात करने आए हैं, क्यों आए हैं, जितने लोग यहाँ प्रबुद्ध जन बैठे हैं, सबके मन में कुछ ना कुछ संकल्पना है, कुछ करने की जिज्ञासा है, अभिलाषा है। लेकिन जहां ज्ञान की बात होगी, शौर्य तो ऑटोमेटिक, तभी तो हम देखते हैं किस प्रकार से सभी महाजनपदों में जब उदय होना प्रारंभ हुआ, मगध का विस्तार हुआ। यदि अखंड भारत की आप कल्पना कीजिए तो किसी और क्षेत्र में भी उसको स्थापित करने की क्षमता हो सकती थी, लेकिन बिहार में ही क्यों हुआ, क्यों ऐसा हुआ, कितना दूर है अफगानिस्तान। आज भी भारत की सीमाएं वैसी नहीं है, लेकिन उस समय क्या था, कैसे हम जोड़ पाए। कल्पना कीजिए तो कल्पना देखते हैं, सोच अलग थी, तभी तो वेदांत का दर्शन हुआ। सोच अलग थी तभी तो जब राजवंशों की स्थापना एक स्थापित परंपरा हो गई थी वैशाली में, कुछ बेहतर करने के दृष्टिकोण के साथ विश्व के पहले गणतंत्र की स्थापना हुई। कौन जानता था, किसने सोचा था उस समय गणतंत्र को, दृष्टि अलग थी, तभी तो कुछ बेहतर करना चाहते थे। आज पूरे विश्व में आदर्श रूप में प्रजातंत्र स्थापित है। प्रारंभ कहां हुआ था, मगध के विस्तार को देखिए, जब स्थापित हो गया था वर्ण व्यवस्था, उस कठोर रूप में स्थापित थी जिसमें केवल एक वर्ग का व्यक्ति ही शासन करेगा, ये पूरे भारत के हर महाजनपद में लगभग स्थापित था। बिहार को देखिए, अपवाद थे, वैशाली सबसे बड़ी अपवाद थी, मगध
जिसने वैशाली का पतन सुनिश्चित किया उसमें अपवाद क्या था, क्यों विकास हुआ? क्योंकि मगध में जो सक्षम था, उसी प्रकार जिस पर वैशाली में यह था कि जो सक्षम है उसका किसी राजवंश से होना आवश्यक नहीं, लगभग उसी चिंतन ने वहां प्रजातंत्र को उत्पन्न किया, गणतंत्र को उत्पन्न किया, तो मगध में किसी वर्ण विशेष की होने की आवश्यकता नहीं। इस चिंतन के साथ ही जब स्वीकार्यता मिली तब नंद वंश का उदय हुआ। जब महापद्मनंद आए किस वर्ग से आते थे? क्या भारत के किसी अन्य क्षेत्र में कल्पना थी कि उस वर्ग का व्यक्ति शासक हो सकता है? लेकिन बिहार ने न केवल स्थापित किया, सिद्ध किया, और जब प्रतिभा का सम्मान होता है, सक्षम को उचित स्थान मिलता है, चीजें बढ़ती हैं। यही बिहार में हुआ, जो दृष्टि थी बढ़ने लगी, मगध साम्राज्य का विस्तार हुआ। वैशाली के पतन के कारणों को आप देखेंगे, जो इतने दृष्टि के साथ स्थापित थी, तो आप पाएंगे कि वैशाली में जब तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लोगों के बीच सहयोग की भावना थी, मिलजुल कर काम करते थे, वैशाली स्थापित थी। लेकिन जैसे ही वैशाली में मगध ने संघर्ष के बीच बोए तो वैशाली नष्ट हो गए। लंबी कहानी है किस प्रकार मगध ने अपने अमात्य को प्रतिनियुक्त किया, वैशाली भेजा, किस प्रकार फूट डाली, पतन हुआ। लेकिन मगध का जब विस्तार हुआ उसमें भी जब दृष्टि में थोड़ी कमी आई, उस समय आई जब यवन योद्धा वीर लक्षेंद्र चले आ रहे थे विश्व विजय की कल्पना लेकर, कामना लेकर, और तब मगध के एक आचार्य के मन में भावना जगी कि यदि भारत की रक्षा होनी है तो भारत को एक रूप में स्थापित करना होगा, और क्षमता उन्हें मगध में दिखी, क्योंकि मगध में क्षमता थी जो भारत की रक्षण का उत्तरदायित्व ले सकती थी। लेकिन दृष्टि उस समय कहीं ना कहीं उस समय तत्कालीन शासक में नहीं थी। तभी धनानंद को पदच्युत कर उन्हें एक बालक में जब क्षमता दिखी तो किसी बालक के वर्ण विशेष पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, गुण देखे। जब चंद्रगुप्त के बाल्यावस्था में गुण दिखे कि भारत के साम्राज्य का ये व्यक्ति निर्माण कर सकता है, वहीं से आगे बढ़े और श्रृंखला वहीं जाकर समाप्त हुई जहां सहयोग के साथ छोटे आसान था क्या एक एक राजा को बताना, समझाना, शक्ति से पराजित करना और जोड़कर, मन में कोई स्वार्थ नहीं था। आचार्य चाणक्य के मन में क्या स्वार्थ था, किस प्रकार का स्वार्थ? समाज के लिए कुछ अच्छा करना चाहते थे। जब पूरे सम्राट बन गए चंद्रगुप्त, उसके बाद भी इतिहास बताता है किस प्रकार चाणक्य महल के बाहर एक कुटिया में रखना ही पसंद करते थे और किस प्रकार से अपने कार्यों को निष्पादित करते थे। यह प्राचीन प्रेरणा थी जिसने बिहार को ज्ञान की भूमि, शौर्य की भूमि, शौर्य की बात मगध साम्राज्य की महाभारत में नहीं पढ़ी। महाभारत में जब पढ़ते हैं तो देखते हैं किस प्रकार से उस समय श्री कृष्ण, भीम और जरासंध का जो युद्ध हुआ था उसमें भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि जरासंध के सामर्थ्य के समक्ष मैं विवश हूं, क्योंकि इसी कारण से मुझे अपनी राजधानी मथुरा से द्वारका ले जानी पड़ी। जब महाभारत को पढ़ते हैं तो हम पाते हैं भगवान श्री कृष्ण जब उन्हें लगा कि जरासंध का नाश होना चाहिए तो वो लोग चले, चाहते तो सीधे मार्ग से प्रयाग होकर, पाटलिपुत्र होकर राजगृह की ओर जा सकते थे, लेकिन वैसा नहीं कर सके। उन्हें उत्तर कुरु के माध्यम से नेपाल में जंगलों के माध्यम से गंडक नदी के किनारे होते हुए सोनपुर में गंगा पार करके बराबर की जो पहाड़ी है जिसको उस समय गोरथगिरी कहते थे पहुंचना पड़ा, और वहां पहुंचकर उन्होंने देखा तो कहा कि राजगृह का सीधे युद्ध में पराजित होना संभव नहीं है। तब मल्ल युद्ध की बात आई, किस प्रकार आई सभी लोग जानते हैं, किस प्रकार उस समय बात सामर्थ्य की है, उद्यमिता की बात, जिस पर आज का हम सम्मेलन हम लोग कर रहे हैं, प्राचीन ग्रंथों को पढ़ते हैं, रानी साहे जी भी आ गई हैं, चंपा पर इनका विशेष अभियान चल रहा है, वियतनाम का हम लोग स्मरण करते हैं तो वियतनाम 1500 वर्षों तक चंपा के नाम से जाना जाता था। दक्षिण पूर्वी एशिया में जब घूमते हैं तो बहुत सारे ऐसे नगर मिलते हैं जिनके नाम प्राचीन बिहार के नगरों से मिलते जुलते हैं। चंपा तो एक जीवंत उदाहरण है, प्रतीक है उन पूर्वजों की जिन्होंने, जिसको बौद्ध ग्रंथ कहते हैं विश्व का पहला नगर, उस रूप में चंपा को स्थापित किया था। पाटलिपुत्र की बात कीजिए तो 300 शताब्दी ईसा पूर्व में मेगास्थनीज आए रहे, विश्व का सर्वप्रमुख नगर बताए। इतिहास को स्मरण करने का कारण है उससे हम प्रेरणा तो ग्रहण करते ही हैं, लेकिन साथ में जो भूल उस समय हमने की उसकी पुनरावृत्ति नहीं हो इसको भी सुनिश्चित हम करते हैं। बिहार में यदि हम देखते हैं कि आज जितने इंडिसेज की बात भी आलोक जी कर रहे थे, अनेक इंडिसेज में साक्षरता की बात कर लीजिए,
विकास की बात कर लीजिए, प्रति व्यक्ति आय की बात कर लीजिए, बहुत सारी चीजें हैं उसमें हम देखते हैं कि बिहार उसको कहते हैं कि जो श्रृंखला बनती है उसमें सबसे निचले पायदान पर पाया जाता है। बचपन से हमने भी वही देखा, आज भी वही देख रहे हैं। जब मैं छोटा था उस समय भी इस प्रकार की तुलना करता था वर्तमान और अतीत और भविष्य की, और तब मैं देखता कि मेरा इसमें क्या योगदान होगा। कई बार मैंने सोशल मीडिया पर भी साझा किया किस प्रकार जब बढ़ रहा था तो बिहार की परिस्थितियों ने मुझे विचलित किया था, उद्वेलित किया था और विवश किया कि कुछ योगदान मेरा होना चाहिए। तभी सिविल सर्विसेज एक माध्यम के रूप में मैंने चुनते हुए बिहार में योगदान करने के लिए प्रयास किया, आज कर रहा हूं। लेकिन जिनके जो व्यक्ति ऐसे पूर्वजों से प्रेरित हो जिनकी दृष्टि बहुत दूर तक थी, तो माध्यम केवल एक सेवा मात्र तक नहीं रह जाता। मन कहता है कि लोगों को जोड़ना चाहिए। और दृष्टि क्या थी? दृष्टि ये थी जो वेदांत की दृष्टि थी, जो समता देखती थी, ऐसी दृष्टि थी जिसमें कुछ बड़ा सोचने की क्षमता थी, ऐसी दृष्टि थी जिसमें सभी को उपयुक्त सम्मान और स्थान देने की क्षमता थी। लेकिन आज जब देखते हैं कि बिहार 10 लोगों को बिठा दीजिए तो बात कहाँ शुरू होती है, चिंतन कहाँ प्रारंभ होता है। सोचते हैं हम लोग कि हम किस जाति के हैं, अमुक व्यक्ति किस जाति का है, जाति के नाम पर संघर्ष बढ़ता ही जा रहा है, संप्रदाय के नाम पर संघर्ष, किसी विचार के नाम पर संघर्ष, किसी इज्म के नाम पर संघर्ष बढ़ता ही जा रहा है। एक साधारण रथ भी यदि 4 पशु मिलकर खींचने हो और चारों पशुओं में मत भिन्नता हो, कोई कहे मैं आगे जाऊंगा, कोई कहे पीछे जाऊंगा, एक कहे बाएं जाएंगे, एक कहे दाएं जाऊंगा, तो उस रथ की क्या स्थिति होगी? बढ़ेगा ही नहीं। इतने बड़े समाज में यदि इस प्रकार के छोटे छोटे खंडों में बंटकर हमारी मानसिकता होगी, हम संघर्ष में रत रहेंगे, सहयोग की भावना नहीं रहेगी, तो बिहार कहां बढ़ेगा? तो जितने लोग यहां जुटे हैं उसी प्रयास का प्रतिफल है जिसमें हम लोगों ने बात की कि सकारात्मक लोगों को जोड़ेंगे, जिनके मन में आज भी निराशा के भाव नहीं है, जो चाहते हैं उन स्मरण करते हैं कि ऊर्जा तो वही है, उन्हीं पूर्वजों के हम वंशज हैं, लेकिन चिंतन करते हैं ऊर्जा लग कहाँ रही है। ऊर्जा यदि शिक्षा में लग गई, हर विद्यालय में किस प्रकार पढ़ाई अच्छी हो, हर विश्वविद्यालय में किस प्रकार पढ़ाई अच्छी हो, जिस भूमि ने कभी ऐसे विश्वविद्यालयों की स्थापना की जिसमें विश्व से लोग पढ़ने आते थे, अगर उसकी गुणवत्ता में हमने सुधार करने के लिए अपने प्रयास को प्रारंभ कर दिया तो क्या भविष्य उज्ज्वल नहीं होगा? हम सोचते हैं कि कोई आएगा, कुछ करेगा और करता चला जाएगा, कोसते हैं परिस्थितियों को, निराश होते हैं, लेकिन अपने अंदर जो असीम ऊर्जा है उसका उपयोग किस प्रकार हो, सदुपयोग किस प्रकार हो, उस पर चिंतन नहीं करते। किसी भी चीज की आलोचना करना आसान है, लेकिन किसी भी समस्या का समाधान तभी होता है जब उस समस्या के अंग बनकर उसको मिटाने का हम प्रयास करते हैं। इसी बिहार के आचार्य चाणक्य ने कभी कहा था कि समाज को नुकसान दुर्जनों के दुष्कृतियों से नहीं होता जितना सज्जनों की निष्क्रियता से होता है। प्रयास है, जितने भी लोग सकारात्मक हैं, सज्जन हैं, जो सोचते हैं कुछ अच्छा, जिनकी सोच बड़ी है छोटे छोटे खंडों में, उस प्रकार की भावना नहीं, जिस बिहार ने कभी कहा कि भाई आदमी तो आदमी पशु किसी भी जीवित व्यक्ति में वही आत्मा है, उसी बिहार का तो वंशज। अपवाद प्रस्तुत करने की परंपरा हमारे यहाँ प्राचीन काल से रही, तो आज यदि पूरे भारत में भी कहीं हम देखते हैं अलग प्रकार के भेदों में बढ़ता हुआ, तो किस भूमि को उसका नेतृत्व करना चाहिए? जब हम देखते हैं एक काल में जब कुछ नहीं था, संसाधन नहीं थे, तब नेतृत्व हमने 1000 वर्षों तक किया था कि नहीं किया था, आज क्या कमी आ गई? उन्हीं के वंशज हम, और बैठ कर यदि हम चिंतित हो जाते हैं, सोचते हैं, देखकर मायूस हो जाते हैं। छोटा था, नवी कक्षा में पढ़ने भोपाल गया, 7 के विद्यार्थियों ने बोलना शुरू किया बिहारी। शुरू में तो बड़ा अजीब नहीं लगा, बिहारी हूं तो बिहारी ही बोलेंगे, पहली बार बिहार से बाहर गया था, लेकिन कुछ दिनों में जब लगने लगा मंशा ठीक नहीं है, प्रेरणा जगी, पढ़कर स्थापित करूंगा, बताऊंगा बिहारी में शक्ति क्या है, प्रेरणा आगे जाती गई। विद्यालय में प्रथम आया, ज्ञान की परंपरा के वाहक के रूप में प्रस्तुत हुआ, आगे बढ़ता गया, IIT के पेपर लीक हो गए, केंद्र बिहार था, मन में लगा भाई समस्याओं से बचपन से बड़ा आशावादी हूँ, चुनौतियां पसंद है, बिहार भी एक बहुत बड़ी चुनौती है, यदि कहीं चले गए पलायन कर गए तो ठीक है जा सकते हैं, अपनी जीवन बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन कुछ करना चाहिए। IIT से 2 नौकरियां लगी थी, एक बाहर भी लगी थी विदेश में, एक
इंफोसिस में लगी थी, जिसमें हाल में मैंने एड्रेस भी किया था, मन में थी, और मन में थी इस प्रकार के अनेक लोग हैं जुड़ना होगा जो चाहते हैं। आज कोई बिहारवासी सबसे बाहर बैठे हैं, अच्छी बात है, मैं तो उस रूप में देखता हूँ। जैसे हम लोग कहते हैं पलायन कर गए, नहीं, पलायन उस समय भी एक समय था जब ज्ञान तक्षशिला में मिलता था, तो पैदल बिहार से चलकर लोग तक्षशिला जाते थे, लेकिन वापस बिहार में लौटकर योगदान भी करते थे। उस भाव को जागृत करने के लिए इस नेटवर्क की हम लोगों ने स्थापना करने की परिकल्पना की, जिसमें जो बिहारवासी कहीं भी रह रहे हों, चाहे विदेश में रहते हों, बिहार में रहते हों, बिहार के जिलों में रहते हों, या भारत के महानगरों में रहते हों, एक प्रकार के नेटवर्क को हम स्थापित करें, जिसमें कि शिक्षा के भाव, सामाजिक क्षेत्रों में योगदान के भाव और उद्यमिता के भाव किस प्रकार हम पोषित कर सकते हैं। आज इस एक दिवसीय सम्मेलन में अनेक प्रकार के प्रस्तुतिकरण हैं, जिसमें हम लोग बात करेंगे। मेंटर योर स्कूल प्रोजेक्ट, उसके वेबसाइट को भी हम लोग आज लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें कि बिहार का कोई व्यक्ति कहीं भी हो, बिहार में हो, बिहार के बाहर हो, अपने विद्यालय से जुड़ सकता है, अपने जिले के, अपने प्रखंड के, उसमें क्या योगदान कर सकता है वो डिजिटली बता सकता है। इस प्रकार के एक समूह को हम निर्मित करना चाह रहे हैं हर विद्यालय में। हम कोसते रहेंगे, शिक्षक अच्छे नहीं है, पढ़ाते नहीं है, बच्चे पढ़ते नहीं है, तो चीजें बदलेंगी क्या? कुछ योगदान करते हैं, कुछ योगदान करें जो कर सकते हैं। आप कुछ नहीं कर सकते, चलो भाई अगर आप पढ़ने में सक्षम हो, पढ़ा सकते हैं, तो एक घंटे का ऑनलाइन रिकॉर्डिंग करके भेज दीजिए। शिक्षादान योजना हम लोग आज प्रारंभ करने वाले हैं, जिसको उस विद्यालय के साथ हम स्थापित करें, शेयर करें। हर विद्यालय में एक प्रकार की नोडल, एक किसी शिक्षक को हम उसे जोड़ना चाहते हैं, जो स्कूल के मेंटर्स के साथ जोड़कर स्कूल को आगे ले जाए, बहुत आवश्यक है। यदि हम करेंगे नहीं, हम बचते रहेंगे, आलोचना करते रहेंगे, चीज़ें नहीं बदलेंगे। चीज़ें बदलती हैं, चीज़ों को बदलते अपने छोटे से जीवन काल में मैंने देखा है, और बहुत अच्छे से देखा है, जब विरासत से प्रेरणा लेकर हम जुड़ते हैं। इस सम्मेलन में सबसे पहले मैं ही इसलिए बता रहा हूँ, चूँकि पूरे अभियान के जो उद्देश्य हैं वो स्पष्ट करना चाहता हूँ। अपने जीवन में जो दो उदाहरण मैं बहुत देता हूँ, बघा का देता हूँ, रोहतास का देता हूँ। आज से करीब 15 वर्ष पूर्व उस पुलिस सेवा में नया ही था, पहले जिले के SP के रूप में बघा में पोस्टिंग हुई थी। बघा को उस समय मिनी चंबल कहते थे। अनेक प्रकार के डकैत गिरोह वहाँ पर रहा करते थे, जिससे नेपाल, उत्तर प्रदेश और बिहार के उस क्षेत्र में भय का वातावरण वर्षों से व्याप्त था। अंग्रेजी शासन में भी किसी अंग्रेज अधिकारी ने उस समय गैजेटियर के पास लिखा, इट्स द यूनिवर्सिटी ऑफ क्राइम। मेरी पदस्थापना तब हुई जब 4 किसान मारे गए थे, और उसके प्रतिरोध में आमजनों के द्वारा पुलिस के विरोध में आंदोलन किया गया था। उसमें पुलिस फायरिंग में 2 लोग मारे गए। रातों रात पटना से पदस्थापना हुई, बघा गए, चीजों को समझने का प्रयास किया। बहुत समय से अपराध चल रहा था, बात होती तो जिससे भी होती तो कहते भाई यहाँ तो अपराध महर्षि वाल्मीकि के समय से चल रहा है, वाल्मीकि आश्रम यहीं स्थापित है, पूरे वन को हम लोग वाल्मीकि नगर क्षेत्र कहते हैं। तो जब उस समय से ऐसा अपराध था तो समाप्त हो ही नहीं सकता। तो प्रारंभ में तो बड़े अभियान चले DRM में, मैंने प्रयास किया कि भौतिक रूप में किस प्रकार से डकैतों को पकड़ा जाए, किस प्रकार से किया जाए। तो मैंने देखा अनेक वर्षों से इस प्रकार के अभियान चल रहे हैं, व्हाइट पैंथर चला, ब्लैक पैंथर चला, कई पुलिस पदाधिकारियों ने उसमें मेडल भी प्राप्त किए, लेकिन अपराध ज्यों की त्यों थी। पहला अपहरण हुआ, मैंने पुलिस मुख्यालय को बताया तो उन्होंने कहा चिंता मत करो, बघा में हो, चंपारण में ऐसे ही चलता है, सदियों से चलता आ रहा है। लेकिन मन में परिकल्पना थी परिवर्तन करना है, ऐसे तो नहीं चलेगा, मैं जब यहाँ पर हूँ कुछ योगदान दूंगा। उसी समय जब चिंतन मैंने प्रारंभ किया तो मैंने देखा जितने भी डकैत हैं उनके परिवार आम जनों की तरह रहते हैं, कोई पंचायत चुनाव लड़ता है और जीतता भी है, कोई विधानसभा तक लड़ता है। 320 एकड़ गन्ने की खेती हम लोगों ने चिन्हित की, जिसमें इनके द्वारा लोगों के कब्जा किए गए जमीन पर और सरकारी जमीन पर गन्ना लगाया जाता था, उसको हम लोगों ने जब चिन्हित करके कटवाना शुरू किया तो 25 लाख रुपये उस साल सरकार के खजाने में जमा हुए, अनक्लेम्ड प्रॉपर्टी जिसका कोई मालिक नहीं, और मजदूरों से कटवाया, पुलिस के संरक्षण में कटवाया, आर्थिक रीढ़ टूटी, कई डकैत मारे गए। उसके बाद भी समस्या का समाधान नहीं होता, कमजोर हो गए थे। जब 150 की संख्या में घूमते थे DRA में, किडनैपिंग्स की संख्या हर साल 150 ऐसे रहती थी, गैंग्स थे, तब मूल भावना पर हम लोगों ने आक्रमण किया। हमने कहा कि भाई आप जिस
कहते हो कि महर्षि वाल्मीकि के समय से यहाँ पर अपराध चल रहा है, तो स्मरण करो, चिंतन करो, यदि रत्नाकर रत्नाकर ही रहे होते तो क्या विश्व किसी वाल्मीकि को जानता? परिवर्तन रित है। रत्नाकर ने परिवर्तन करने का निर्णय लेते हुए वाल्मीकि बन गए तो समस्त विश्व के लिए श्रद्धेय हो गए, पूज्य हो गए। आपके जो भाई बंधु भटक रहे हैं उनको बताओ, इस प्रकार पुलिस के भय में दिन भर भयाक्रांत हैं, न समाज में कुछ योगदान दे रहे हैं, लोगों के लिए उस प्रकार का पर्याय बन चुके हैं। परिवर्तन यदि करेंगे, जो भावना चलती है, जो मन से निकलती है, तो मनों को जोड़ती है। बघा में यही हुआ। इतिहास की प्रेरणा थी, इतिहास को समझने की दृष्टि अलग थी, लोग बदले, जुड़े। डकैतों का समर्पण शुरू हुआ, 26 डकैतों ने आत्मसमर्पण कर दिया। उस समय बिहार के सबसे बड़े अपराधी का भी समर्पण हुआ और परिवर्तन ऐसा हुआ कि जहाँ अपहरण 150 प्रतिवर्ष होता था, कितने लोग मारे जाते थे, संख्या शून्य पे आ गई 2008 में, बिल्कुल 1.5 वर्ष। आज बिहार में कोई मिनी चंबल कहीं स्थापित नहीं है। जिस क्षेत्र में कभी डकैत घुमा करते थे, उग्रवादी थे, आज वहां पर पर्यटक घूमते हैं। बाघों की संख्या में वृद्धि हो रही है। बिहार का वह क्षेत्र पर्यटकों को आकर्षित करने में अनुपम है। चीजें बदलती हैं। उसके बाद मेरी पोस्टिंग रोहतास हुई। रोहतास में उससे भी विषम परिस्थिति थी। पर्वत, विशाल पर्वत, 3200 स्क्वायर किलोमीटर का जंगल क्षेत्र, उस पर स्थापित रोहतास का दुर्ग, प्राचीन दुर्ग, जिसको स्मरण करते थे कि राजा हरिश्चंद्र के पुत्र रोहिताश्व के द्वारा स्थापित, 7वीं शताब्दी से उस पर संकेत मिलते थे, इंस्क्रिप्शंस मिलते थे। उस दुर्ग की सुध लेने वाला कोई नहीं था। उस दुर्ग की, जिसके बारे में मध्यकाल में फरिश्ता ने, अबुल फजल ने अकबरी में लिखा, अभेद्य है, दुर्गम है, इस दुर्ग पर जो स्थापित हो गया उसे बल से जीता नहीं जा सकता, केवल छल से जीता जा सकता। ऐसे उस अद्भुत दुर्ग जिसने कभी पूर्वी भारत की राजधानी थी, क्या चल रहा था? अजीब सा संघर्ष चल रहा था। पहले कभी डकैतों का कब्जा था, बाद में उग्रवादियों का कब्जा हो गया था। प्रशिक्षण स्थल के रूप में इस्तेमाल करते थे और उस प्रयोग में उसे लिबरेटेड जोन मानते थे। 8 जिले प्रभावित थे उस पूरे क्षेत्र में जहां उग्रवादियों का प्रभाव उस प्रकार से था। तो प्रारंभ में उसी प्रकार जो पुलिस की होती है, एक वे चले और ऑपरेशन हुआ, लगे गोलियां चली, 6 इंच से बचे। जब एक जवान शहीद हुआ, उसके बाद हुआ कि भाई अब तो नहीं, अब या तो परिवर्तन तो करना होगा। ऑपरेशन करके परिवर्तन संभव नहीं है। ऑपरेशन करेंगे, हम भी चले गए, कुछ इधर नुकसान होगा, कुछ उधर नुकसान होगा। परिवर्तन तब होगा जब हम लोगों को विरासत से फिर जोड़ेंगे। रोहतास में उस पहाड़ी पर, जहां उग्रवादी बहुत आराम से रहते थे, पुलिस की कोई पहुंच नहीं थी, सभी आदिवासी थे जो रोहतास दुर्ग को अपना उद्गम स्थल मानते थे। उराव मानते थे, खरवार मानते थे, चेरो मानते थे, बड़े गर्व से कहते थे कि हमारे पूर्वजों ने दुर्ग को स्थापित किया, इस ऊंचाई पर स्थापित किया। तब हम लोगों ने हर गांव में, जहां पुलिस कभी जाती थी तो लोग भाग जाया करते थे, जाकर बात करनी शुरू की, समझाना शुरू किया कि जिन पूर्वजों पर तुम इतने गौरवान्वित हो कि उन्होंने दुर्ग को स्थापित किया, जिसे जिसने भी जीता, चाहे सम्राट शेरशाह सूरी ने जीता हो, चाहे खरवारों ने जीता हो, कभी भी बल से नहीं जीत सके। उसको स्थापित करने वाले तुम और तुम्हारे क्षेत्र में चल क्या रहा है? किस प्रकार का संघर्ष इसमें, व्यक्ति व्यक्ति का रक्त का प्यासा है? क्यों तुम पुलिस से लड़ रहे हो? क्यों ऐसी परिस्थिति है कि बिहार में इतने थानों पर हमला हो गया, क्या लाभ मिल रहा है? क्यों ऐसी परिस्थिति हुई कि पटना से 2 घंटे दूर तक डीएसपी तक शहीद हो गए? उन पूर्वजों के वंशज जिनमें स्थापित करने की क्षमता थी, सृजन करने की क्षमता थी, आज क्यों संघर्ष में लीन है? जब ये बात हुई, मन से हुई, बात का प्रभाव होने लगता है। हम लोगों ने आदिवासी प्रतीकों को स्मरण करके उनकी जयंती मनाना प्रारंभ कर दिया, आदिवासियों से जुड़ने लगे। और जिस दुर्ग पर कभी जाने में गोलियां चलती थी, इसी महीने 4 दिसंबर को शाहबाद महोत्सव का आयोजन हुआ। और जब मैं गया तो पहले लोग भाग जाया करते थे, स्वागत गोलियों से होता था। इस पर जब गया था, आदिवासी लड़कियां नृत्य कर रही थी, आदिवासी लड़के फूल बरसा रहे थे। परिवर्तन संभव है। यदि हम सोचते हैं कि कोई भी चीज कठिन है तो हमारे मन की सीमा मात्र है। यदि हम सोचते हैं बिहार पिछड़ा है, कुछ नहीं हो सकता, तो उससे भी बड़ी बात है जब स्वामी विवेकानंद का हम स्मरण करते हैं कि यदि कोई व्यक्ति अपने आप को कहता है कि मैं कमजोर हूं, तो इससे बड़ा महापाप कोई नहीं है। अरे, हम तो उन पूर्वजों के वंशज हैं जो तब स्थापित कर सकते थे जब कुछ नहीं था। आज तो सारा सामर्थ्य विद्यमान है। इस पूरे सभागार में एक एक व्यक्ति जो बैठा है, अद्भुत क्षमता, असीम क्षमता का स्वामी।
हम उसी बिहार के हैं जिसने कभी पूर्वजों ने ऋषियों ने दृष्टि की, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। तो पूर्ण है, केवल पूर्ण ही रहता है, पुनः पूर्ण में विलीन हो जाता है। वेदांत की दृष्टि, दृष्टि कहती है पूर्ण मतलब क्या, असीम, असीम ऊर्जा का स्रोत जिसमें कोई कमी ना हो। किसके बारे में कहती है? परमेश्वर के बारे में कहती है, परमात्मा के बारे में कहती है। हम कहते हैं, सुनते हैं, हर आत्मा में परमात्मा का वास होता है, सुनते हैं ना, हर आत्मा परमात्मा का अंश होता है, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो जब किसी धातु को हम खंडित करें, सोना को टूरेंगे छोटे छोटे टुकड़ों में, तो गुण क्या होता है? उसी धातु का ही गुण होता है। और जो परमेश्वर है, असीम है, पूर्ण है, उसका यदि कोई अंश हो, कितना भी आप खंडित कर दो, जो असीम को खंडित करोगे उस छोटे से खंड में भी गुण क्या होंगे? तभी तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि सारे सृष्टि की सारी शक्ति तुम्हारे अंदर समाहित है, लेकिन यदि तुम कहते हो अंधेरा है तो तुमने अपने आंखों पर पट्टियां बांध रखी। प्रेरणा कहीं और से प्राप्त नहीं करनी, कहीं और नहीं देखना है। हमारा अपना इतिहास प्रेरित करता है, लेकिन केवल इतिहास से प्रेरित कर हम गुणगान करते रहेंगे तो कहीं आगे नहीं जाएंगे। आवश्यकता योगदान की है, आवश्यकता ऊर्जा को संघर्षों से हटाकर सहयोग की भावना में कैसे लाया जाए, इस पर चिंतन करके योगदान करने की है। इसीलिए हम लोग आज यहाँ बैठे हैं। आवश्यकता शिक्षा की मैंने बात कही, मेंटोरियो स्कूल। आज हम लोग उद्यमिता में भी एक पोर्टल लॉन्च कर रहे हैं जिसमें कि बिहारवासी जो नौकरी पाना चाहते हैं और जो एंटरप्रेनर्स हैं जो देना चाहते हैं, उनका एक नेटवर्क हम लोग क्रिएट करना चाह रहे हैं, जिससे कि ऐसे लोगों को सुविधा हो जो किसी रोजगार की तलाश में है। ऐसे सेमिनार्स हम लोग आयोजित करना चाहते हैं अलग अलग जिलों में, जिसमें जो लोग उसी जिले से निकले हैं। बिहार एंटरप्रेनरशिप एसोसिएशन के अभिषेक जी हमसे जुड़ गए हैं, अनेक उद्यमियों को हम लोग उस रूप में उस नेटवर्क के माध्यम सपोर्ट करना चाहते हैं, जो जिनके मन में दृष्टि हो कुछ नए सृजन की, कुछ नई स्थापना करने की, उन युवाओं को प्रोत्साहित करना चाहते हैं जो अलग करना चाहते हैं। अभी बात IAS IPS की हो रही थी, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात, बिहार के छात्र तो हर जगह प्रतिभावान है, बनते हैं, लेकिन पीड़ा तब होती है जब, हाल में कुछ दिनों पहले हमने अखबार में पढ़ा था, एक व्यक्ति जिन्होंने IIT से डबल डिग्री की, BTech किया, MTech किया, और उसके बाद जब नौकरी का अवसर आया तो अच्छी नौकरियां छोड़कर एक रेलवे गैंगमैन की नौकरी उनको ज़्यादा पसंद आई। पसंद इसलिए आई क्योंकि उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरी बड़ी सिक्योरिटी है। इतना बड़ा व्यक्ति जिसकी विद्या की क्षमता इतनी थी, क्या नहीं कर सकते थे, यदि उनकी सोच इतनी लघु हो जाए तो ऐसा भविष्य हम कैसे निर्मित करेंगे? आवश्यकता उस उद्यमिता की है जिसने उस काल में जब कुछ नहीं था चंपा पाटलिपुत्र राजगढ़ जैसे महानगरों को स्थापित किया था। आवश्यकता चिंतन की है, योगदान की। इसीलिए जो पोर्टल हम लोग बना रहे हैं, जिस तरह से हम लोग जोड़ रहे हैं, LIB टॉक्स, बातें करने से, जहां बात गोली से नहीं बनी, उस रोहतास दुर्ग में जहां कभी उस दुर्ग पर काले झंडे लहराए जाते थे, जब बोली से बात शुरू हुई, मन से मन का संवाद स्थापित हुआ, 26 जनवरी 2009 के बाद राष्ट्रीय ध्वज लहराने लगा। उस रोहतास दुर्ग पर जहां कभी चुनाव नहीं हुआ था, 2009 में जब पहली बार हम लोगों ने चुनाव कराने का प्रयास किया लोकसभा में, BSF की पूरी कंपनी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की पूरी कंपनी पर आक्रमण हो गया। 16 अप्रैल 2009 को चुनाव था, 15 की रात को जब आक्रमण हुआ, चुनाव हम लोग नहीं करा पाए। एक मन में संकल्प सुदृढ़ था, चुनाव तो वहीं कराएंगे, जितने बल की आवश्यकता होगी लगाएंगे। 9 मई 2009 को 3 भवन थे, 6 बूथ थे, 1600 जवान लगे, लेकिन शांतिपूर्ण, निष्पक्ष, भयमुक्त मतदान हम लोगों ने कराया। लोग कहते थे कि इस क्षेत्र में जनता चुनाव का बहिष्कार करती है, लेकिन जब चुनाव हुआ, इस इतने बल के साथ हुआ, 50% से अधिक मतदान हुआ उस क्षेत्र में जहां लोग कभी मतदान नहीं किए। अंत में कहना यही चाहता हूं, परिवर्तन संभव है, हर वांछित परिवर्तन संभव है। आवश्यकता सकारात्मकता के साथ, शुद्ध मन के साथ, कुछ निस्वार्थ भाव के साथ योगदान करने की है। यदि कोई व्यक्ति आप पर आलोचना करता हो, टिप्पणी करता हो, करने दीजिए, निराश होने की आवश्यकता नहीं, बढ़ते रहिए। जहां 100 व्यक्ति भी गलत रास्ते पर चलते जाएंगे और 5 व्यक्ति मार्गदर्शन करने के लिए उनके सम्मुख प्रस्तुत हो जाएंगे, सही मार्ग बताएंगे, तो जो अंतरात्मा है ना, सदैव सही मार्ग बताने के लिए तत्पर रहती है, जोड़ेगी।
जिस अभियान को हम लोगों ने प्रारंभ किया है, आज बिहार के हर जिले में, हर प्रखंड में प्रारंभ कर रहे हैं, हर बिहारवासी को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उसका उद्देश्य वही है कि जिस प्राचीन काल ने हमें प्रेरित किया था उससे कहीं बेहतर भविष्य हमें बनाना है। और उस निर्माण तभी संभव है जब हम जुड़ेंगे आपस में सकारात्मक भावना के साथ और कुछ ना कुछ योगदान करेंगे। तो इस सम्मेलन में मैं चाहूंगा सभी वक्ताओं को धैर्य से हम सुने, उनके विचारों को लें, अंत में प्रश्न और उत्तर हम लोग करेंगे दोपहर में, उसमें भी हम लोग लोगों की जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे। और सभी से निवेदन होगा कि इस पुनीत अभियान में जुड़कर अपने जीवन काल में कुछ ऐसा करें जिससे आने वाली पीढ़ियां हम पर गर्व करें। धन्यवाद। जय हिंद।